मेरी नमाज का टाइम हो गया है, तो जरा एक सेकंड सब्र कीजिए, मैं जरा नमाज पढ़ लूं जल्दी से, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग जानना नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो नमाज पढ़ते हुए मेरे को, मैं चाहती हूँ कि फिर आप लोगों पे भी थोड़ा सा ना अच्छा असर आएगा, नेकी वाला असर आएगा, ठीक है। तो आप यही बैठे हैं, एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आज तुम पक्की मोमिना लग रही हो। मैं हो गई हूँ, मैं कहा अल्लाह मियाँ, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने वाकई में आपको दिल से कबूल कर लिया है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा। अब आप देखिए ना, जब रोजाना आप मुझे ऐसे ही देखोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वाकई में अल्लाह मियाँ को दिल से आई कबूल कर लिया है। मैं उस पर हंस रही हूँ कि मैं उठते हुए मुझे तकलीफ हो रही थी, बुढ़ी हो गई ना, मैं क्या करूँ, कहा ना एक्सपायर्ड हो गए। अब एक सेकंड का जरा मैं दुपट्टा सही कर लूंगा अपना, नमाज पढ़ने के लिए ना जरा सही से दुपट्टा पहनना पड़ता है, ओके, ताकि कोई बाल वाल ना दिखे। अल्लाह मियाँ वरना नाराज हो जाएंगे, खामा खाई में मुझे जलाएंगे। मैं नहीं जलना चाहती हूँ। ओह, एक तो कपड़े इतने टाइट मेरे पास और छोटे छोटे से हैं कि मैं उनको कहाँ संभालूं, कपड़े संभालूं मैं, दुपट्टा संभालूं मैं, क्या क्या संभालूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वैसे यहाँ जगह नहीं है इतनी, मगर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, ओके ना। और आपको पता नहीं है नमाज पढ़ने से ना कितने आपके हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूं। आप अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आपके जो ये पेट निकला हुआ है ना, ये पेट वेट सब अंदर हो जाएगा यूं करके जी, पेट शेट कुछ नहीं रहेगा। सना खान को देखे हो कितनी नाइस एंड स्लिम है, वो नमाजें पढ़ पढ़ गई तो स्लिम हुई है इतनी। आपको क्या लगता है कि वो एक्सरसाइज करती है, खाली हाथे खाती है? नहीं, वो सिर्फ नमाज पढ़ती है, और नमाज ऐसा है जैसे कि आप योगा कर रही है, नमाज में सारी स्ट्रेचिंग। तोबा 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 तोबा, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा जी, सो अब आपको मैं जरा थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, मुझे पर फिर भी नहीं दिखनी मेरी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इधर। ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, टाइट टाइट। नहीं, इतना टाइट टाइट नहीं दिखना चाहिए, नहीं इतना टाइट टाइट नहीं दिखना चाहिए, वो हराम हो जाता है। मेरे पास कोई देखो ना, मेरे पास कोई ढीली डाली चीज नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है इसमें। एक सेकंड, आप लोगों की वरना जो है ना तबीयत वो होगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की तबीयत जो है वो खराब हो, तो इस वजह से मैं नीचे ना कवर कर लेती हूँ, मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अब जो है ना नीचे से कवर कर लिया है, ताकि आपको कुछ टाइट टाइट ना दिखे, वरना आपका दिल फिर इधर उधर होगा, नमाज पढ़ते हुए दिल इधर उधर होना नहीं चाहिए, अच्छा ना। सो ये देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। तो खान कैंड में बुरका तो वैसे ही लग गया है ना, तो पहले तो आपने जमीन की परवाह नहीं करनी वहां पे, आपने कि जहां नमाज आपको जहां भी हो आपने नमाज पढ़नी है, आप नमाज नहीं छोड़ सकते, चाहे वो सड़क पे ही क्यों ना हो, चाहे वो फुटपाथ पे क्यों ना हो, चाहे वहां पे कुत्ता पेशाब करके क्यों ना गया हो, आपने नमाज जरूर पढ़नी है, ठीक है ना। ओके, तो मैं जरा सब कुछ कवर कर लू, कुछ टाइट टाइट नहीं दिखना चाहिए, बाल दिख रहे। ओके गाइस, रेडी हो आप लोग, एकदम रेडी हो जाओ फेसबुक वालों, ओके ना। पहले आपने हाथ बांधने अपने अपने सीने पे, ऐसे ऐसे हाथ बांधने आपने अपने सीने पे जैसे कि आप अपने ही बूट दबा रहे हो। लड़कियों, सॉरी 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 अलमिया, सॉरी अलमिया, कभी कभार जज्बा है तो आप यूं करके अपने हाथ यूं बांध रहे, मगर दुपट्टे के अंदर, बाहर नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने हाथ दिखाएंगे लड़कों को, तो फिर वो जो है उनका दिल धुचक धुचक होना शुरू हो जाएगा, वो आपके हाथ देखकर उन पे फिर कंट्रोल नहीं रहता ना बेचारे मर्द हमारे। तो आपने हाथ अंदर करने हैं, ओके, ताकि आपका कोई भी स्किन का पार्ट ना दिखे, ओके। फिर आपने नियत बांध ली है जी, तो नियत बांध लीजिए आप। फिर आपने अल्लाह ऊपर करना है, ठीक है, इस तरीके से हाथ ऊपर करना है, इस तरीके से कि जैसे कि आप पकड़े हुए हो चोरी करते हुए और पुलिस वाला आपके सामने खड़ा हुआ है ना, तो इस तरीके से हाथ ऊपर करना है। वैसे नहीं करना जो काले करते हैं, मैं क्यों हाथ ऊपर करूं, मैंने क्या किया है, ये ना, नो आर्ग्यूमेंट्स, हाथ ऊपर करने हैं इस तरीके से। और फिर आपने नीचे घुटनों को पकड़ लेना है अपने, ठीक है ना। जैसे आपके घुटनों में बहुत बहुत ही दर्द हो रहा है, तो आपने घुटनों को यूं कर लेना है, पकड़ लेना है, और ये आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। जिस तरह की आपकी योगा पोज होता है ना, तो ऐसी योगा पोज हो रहा है, देखिए आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी टांगों की स्ट्रेचिंग हो रही है, आई मीन सॉरी, दिखाने की दिक्कत, यूं करके फिर आपने दोबारा ऊपर ओढ़ना है अंदर हाथ, फिर दोबारा अंदर हाथ यूं करके छुपा छुपा के, फिर आपने अपने दुरूद और शरीफ और कुल वला
और आपकी अटेंशन पूरी आपकी नमाज पे होनी चाहिए, खबरदार जो आपने किसी और चीज पे अटेंशन डाली भी हो, ठीक है, आप किसी और चीज पे अटेंशन मत डालिए। फिर आपने यूं करके ना, फिर आपने नीचे बेंड हो जाना है, समझ में आई? नहीं डॉगी, डॉगी स्टाइल नहीं, वो डॉगी पोज नहीं होता योगा वाला डॉगी पोज होता है, नहीं पता आप लोगों को, वो भी मुझे करके दिखाना पड़ेगा। अल्लाह मियां वैसे कहते नहीं है कि मैं ये नामहरम लोगों के सामने ऐसा करूं। अच्छा है कि मेरे पास ये घाघरा है, वरना तो आप लोगों ने मेरी टाइट पैंट देख ली थी। ओ माय गॉड, ओ बसगर कुतिया, क्या मतलब है? एक तो मैं नमाज पढ़ना लोगों को सिखा रही हूँ, नेकी का काम कर रही हूँ, तो तुम लोगों को उस पर भी है। जमीन की परवाह नहीं करनी कितनी गंदी है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए बस। जमीन चाहे जितनी भी गंदी हो, अल्लाह मियां जमीन नहीं देख रहा, अल्लाह मियां आपकी नीयत देख रहे हैं कि आप नीयत से नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। तो आपने फिर यूं करा है, ठीक है, फिर आपने नीचे जाना है, ओके, इस तरीके से आपने दोनों घुटनों पे पहुंच जाना है, ठीक है, दोनों घुटनों पे, जैसे ये तो कोई और ही पोज लग रहा है, ये मेरे को कोई और ही मूवी लगनी शुरू हो गई है यहाँ पर। ये सीन मैंने पहले कहीं देखा है। फिर आपने डॉगी पोज जो होता है, जो योगा का होता है, यानी आप बिल्कुल सजदे में गिर जाते हो, आपने सजदे में गिर के अपने अल्लाह मियां की गिड़गिड़ाना है और माफी मांगनी है कि मैं कितनी बेहुदा हरकतें कर चुकी हूँ और अल्लाह मियां मेरे को माफ कर दे, ओके। तो सजदा कैसे करते हैं? फेस डाउन एस अप। तो अल्लाह मियां ये गाना है, मैं क्या करूँ, ऐसे गंदे गंदे गाने बना दिए ऐसी चीजों पर, मैं क्या करूंगा, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम सवाब कमाएंगे, ओके। तो आपने पिछवाड़ा पीछे से ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठाइए 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 और स्ट्रेच कीजिए और उठाइए और सजदा, और जितना ऊपर आपका पिछवाड़ा होगा उतना ज्यादा सवाब होगा। फिर आप ये नीचे भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, मगर ये ज्यादा होता है। अच्छा, इस तरह से ना आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होती, इस तरह से आपकी स्ट्रेचिंग होती, आपको समझ में आया ना। जितना ऊंचा पिछवाड़ा होगा आपका, उतना ज्यादा आपको सवाब भी मिलेगा, ओके। ये योगा की जो डॉगी पोज होता है ना, ये वैसे ही है, मगर इसमें डॉगी वॉगी कुछ नहीं है। ये डॉगी वॉगी अपने दिमाग में इसे निकाल दीजिएगा जब आप ये कर रहे हो, प्लीज, ये डॉगी वॉगी नहीं दिमाग में, ओके। नजम बेगम आपको क्यों बुरा लग रहा है, मैं तो यहाँ पर आपको नेकी का काम करना सिखा रही हूँ। हाँ, अब आप इमेजिन करें, आपको पता है क्यों टाइट कपड़े मना है पहनने के लिए? अल्लाह मियां ने हर चीज के पीछे एक मसलहत होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है जो आप लोगों को पता नहीं है। ये खूनी लिबरल्स आ जाते हैं हर चीज को लेकर कि टाइट कपड़े पहनने दे, हमको सब कुछ पहनने दे, हमको ये करने दे। अब अगर मैं यही चीज, अगर औरत यही चीज पेंट शर्ट पहन के करे, हाँ पेंट शर्ट पहन के करे, तो फिर मर्दों का तो दिल लल जाएगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखिए कैसे, अगर मैं यही चीज वैसे करूं तो आप देखिए ना, अब ये इतने टाइट टाइट कपड़े पहन के आप मस्जिद में जाएंगी, अब फिर आप बेंड ओवर होंगी, उप्स, फेसबुक वालों को सही व्यू दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से नमाज पढ़ेंगी और फिर आप यूं यूं करेंगी, तो आप तो खुद इन्वाइट कर रही है मर्द को अपने पास आने का, है ना। तो इस वजह से नीचे घाघरा चोली ढीले ढाले कपड़े पहन के आया करे, ये इस वजह से कहा है अल्लाह मियां ने, सोच के बोला है ऐसे नहीं। अब इसी चीज को अगर हम सजदे में जाएंगे, तो आप खुद देखे ना भाई, अब हम अगर सजदे में जा रहे हैं और फिर हम अपनी नीज पे आ जाते हैं, तो ठीक है ना। अब देखिए ना, यहाँ से आपको सारा शेप दिख रहा है टांगों का और सब चीजों का, ये अच्छी बात नहीं। अब आप सजदे में देखें, अब बेचारे हमारे मर्दों का क्या कसूर है, हमारे मर्दों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब वो अगर सजदे में जाएंगी इस तरीके से, इसी वजह से औरतों को मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और फिर जब आप ऊपर करेंगी और तो फिर बेचारे मौलानाओं का क्या हाल होगा, तुम्हारे मर्दों का क्या हाल होगा। इस वजह से पाकिस्तान ने कहा कोई टाइट कपड़े नहीं पहनने, कोई जीन्स नहीं पहननी, कोई टाइट्स नहीं पहननी, कुछ नहीं, सब ढीला ढाला,
ताकि हमारे मर्द जो है बेचारे उन पे तशद्दुद ना हो। अब आप ऐसे 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 आप सजदे करो होगी डॉगी साइड पोज में, तो योगे करो होगी टाइट कपड़े पहन पहन के लिबरलो, तो बेचारों का क्या हाल होगा। तो ये आज का सबक था जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी।